अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ कीमा भरे करेले। तो आप इसकी रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। यह नमक है, हल्दी पाउडर है और ये सुरख मिर्चें हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। सबसे पहले इसमें जाएंगे ये जो सारे प्याज, टमाटर, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जा रहे हैं मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें जाएगा पानी, उस हिसाब से डालें कि आपका कीमा गल जाए और ये जो मसाला ये अच्छे से भून जाए। अब इसको मैं कवर करके चूल्हे पे रख दूंगी पकने के लिए। आग मैंने चला दिया और अब इसको मैं कवर करके रखने लगी हूँ। जब ये भुनने के करीब होगा फिर घी डाल के इसको भूनूंगी। ये हमने अपनी फैमिली के हिसाब से 1.5 किलो करेले लिए हैं, आप अपने हिसाब से लें। ये मैंने करेले कर लिए, इनमें भी नमक लगा लिया, और अब ये जो इसके छिलके रह गए हैं इनमें थोड़ा सा डालूंगी नमक और इनको लगा के तो आधे घंटे के लिए रख दूंगी। फिर मैं इनको धो के पानी में, फिर मैं इनको छलनी में रख दूंगी ताकि इनका पानी नुचड़ जाए। बस ये देखें हमारा कीमा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल सूखा सूखा भुना है। अब हम इसको ठंडा करके करेलों में भरेंगे। तो आइए हम आपको दिखाएं कैसे बन रहे हैं। करेले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अभी जो कसर रह गई है वो फिर अभी थोड़ी देर के बाद दम पे रखूँगी तो फिर हो जाएगी। उसको भी तकरीबन मुझे आधा घंटा दम पे रखना है ताकि सालन में कोई कसर ना रह जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये जो हमारा फिलिंग वाला कीमा बच गया था, मैं सारा इसमें शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह, आँच बहुत धीमी करने लगी हूँ, लो फ्लेम लो पे, और इसको आधे घंटे के लिए ऊपर रख दूँगी। बीच में पलट भी लूँगी अगर ज़रूरत महसूस हुई तो। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बेवज ये हमारे करेले माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं और बहुत टेस्टी बने हैं, तो आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें इसका फीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।